इसमें मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। हम कैथोलिक समाज वाले भाग्यशाली हैं, क्योंकि नए वर्ष की शुरुआत हम माता मरियम से कर रहे हैं। आज हमारे लिए दोहरी खुशी है, नया वर्ष की शुरुआत और ईश माता का पर्व, और हमारे लिए ये महापर्व खुशियाँ लेकर आता है, चंगाई लेकर के आता है और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के आता है। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए कि उसने हमें ये नया वर्ष 2022 में वो हमें लेकर के आया है। हम उससे आशीष मांगते हैं कि यह नया वर्ष खुशियों का हो, आशीर्वाद का हो, तंदुरुस्ती का हो तथा हमारे घर और परिवार वाले ईश्वर की शांति में बने रहे। पिछले वर्ष ईश्वर लगातार हमारे साथ रहे, उसकी आशीष हम पर बनी रही और इसीलिए आज हम भगवान का धन्यवाद करने यहाँ पर आए हैं। आज वर्ष का पहला दिन भाई और बहनों, माता कलिसिया ईश माता पर्व को चुनती है। उसका कारण यही है कि माता मरियम नए वर्ष में हमारे स्टाफ में रहे, हमें मार्गदर्शन करें और हमारा पद प्रदर्शन करती रहे। भाइयों और बहनों, हमारा जीवन एक संघर्ष है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, इसमें खुशी भी है और गम भी है। आज माँ मरियम इस नए वर्ष पर उसका आदर्श जीवन हमारे सामने रख रही है। हमें पता नहीं कि ये नया वर्ष हमारे लिए क्या लेकर के आया है, लेकिन अगर माता मरियम हमारे साथ में है, अगर हमने अपने हाथ माँ मरियम के हाथ में दिए हैं, तो हमें डरने की बात नहीं, क्योंकि माँ हमारी सहायता करती रहेगी। माता मरियम ने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के हाथों में सौंप दिया, उसने ईश्वर में विश्वास किया और इसीलिए माता मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में हुआ हो। अर्थात भाइयों बहनों, आज माता मरियम हमारे लिए नम्रता और सेवा का प्रतीक है। यह नया वर्ष हम सबों को भी माँ मरियम के जैसे नम्र बनाए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए हमें प्रेरणा दे। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 19 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। भाइयों और बहनों, आज का ये जो त्यौहार है, ईश माता मरियम का जो त्यौहार है, हमें याद दिलाता है कि माता मरियम ईश्वर की माँ है और साथ ही साथ वो हमारी भी माँ है। 1970 में पोप पॉल छठवें ने यह त्यौहार की स्थापना की। माता मरियम ने ईश्वर की योजना में पूरा पूरा योगदान दिया, साथ दिया, सहयोग दिया और इसीलिए इस त्यौहार को हम धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि माता मरियम कलिसिया की माँ है, हम सबों की माँ है। यह जो त्यौहार है, हम इससे क्या शिक्षा पाते हैं? माता मरियम जो पवित्र माँ है, जो निष्कलंक माँ है, और दुनिया की हर माँ यही चाहती है कि उनका बेटा, उनकी बेटी अच्छा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। भाइयों और बहनों,
कि जो नया वर्ष है शायद हमको इसी बात पर आह्वान करता है कि हम भी अपना जीवन पवित्र जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। दूसरी जो बात है, माता मरियम वो एक दूसरे का सहारा बनी, सेवा किया। नया वर्ष हमको यही बात के लिए बुला रहा है कि हमें एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, ताकि ये सेवा और सहारा जैसे माता मरियम ने दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाई, हम भी हमारी सेवा के द्वारा, सहारा के द्वारा दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। 1 जनवरी विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितनी अच्छी बात है कि हमारा नया वर्ष शांतिमय हो, भाईचारे की दृष्टि से हम जिए। और आज हम ईश्वर से, माता मरियम से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया वर्ष हमें मिला है यह शांति का हो, अच्छी तंदुरुस्ती का हो, सेवा भाव का हो, और इस प्रकार हम भी एक दूसरे को खुशियाँ बांट सकते हैं, एक दूसरे के साथ में हिल मिल करके रह सकते हैं। नया वर्ष 2022 जो आज का पहला पाठ है वो हम सबों को ईश्वर का आशीर्वाद देता है। और कितना अच्छा है कि ईश्वर हमको आशीर्वाद के शब्द हमसे कहते हैं। गणना ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और तुम्हें सुरक्षित रखे, प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे, प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। भाई और बहनों, ईश्वर का यही आशीर्वाद हम सबों के साथ में रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि यह नया वर्ष आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में खुशियाँ लाए, शांति लाए, सेवा भावना लाए। इस अवसर पर मैं आप सबों को नए वर्ष की शुभकामनाएं कर देता हूँ। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। गॉड ब्लेस यू।